Hello students, how are you? Hope you all are doing well and stay safe at your home. So last video में हम पढ़ रहे थे आपकी हिंदी गुलमोहर का पार्ट 8 पेड़ की कहानी. ओके, आज उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं. लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन आंसर ओरल एंड रिटन और टिक द करेक्ट ऑप्शन हमने कंप्लीट किया था. आज हम करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, रिक्त स्थान भरिए. फर्स्ट दिया है, देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करके हमें इन ब्लैंक्स पे फिल करना है. ओके, फर्स्ट है रवि को डैश कहानी सुना रहा था. सुना, टेल मी आंसर, रवि को कौन कहानी सुना रहा था? बाघ, पेड़, पौधा या शुद्ध? सो यहाँ पर क्या आएगा, रवि को पेड़ कहानी सुना रहा था. सो राइट हियर पेड़. ओके, देन नेक्स्ट नंबर टू, रवि ने रोज एक डैश लगाने की प्रतिज्ञा ली. सो यहां पर क्या आएगा, पौधा. रवि ने रोज एक पौधा लगाने की प्रतिज्ञा ली. नेक्स्ट है थर्ड नंबर, रवि के घर के सामने एक डैश था. क्या था रवि के घर के सामने? बाघ. ओके, राइट आंसर क्या है, बाघ. रवि के घर के सामने एक बाघ था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर फोर, पेड़ हमारे द्वारा छोड़ी गई अशुद्ध वायु को ग्रहण कर हमें डैश वायु प्रदान करते हैं. जब हमारे द्वारा छोड़ी गई अशुद्ध वायु मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं और हमें कौन सी वायु देते हैं, शुद्ध वायु मीन्स हमें ऑक्सीजन देते हैं. तो यहाँ पर आएगा शुद्ध, पेड़ हमारे द्वारा छोड़ी गई अशुद्ध वायु को ग्रहण कर हमें शुद्ध वायु प्रदान करते हैं. ओके, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लैंग्वेज स्किल में भाषा की बात, ध्यान से पढ़िए. ओके, ये देखिए, आप जानते हैं कि व्यक्तियों, वस्तुओं, पशुओं, पक्षियों, स्थानों, गांवों आदि के नाम संज्ञा होते हैं, संज्ञा शब्द होते हैं, है ना. फॉर एग्जाम्पल, जैसे रवि, कमला, पेड़, कुर्सी, हाथी, मोर, मुंबई, पंजाब, बचपन, ईमानदारी आदि, है ना. तो ये अलग अलग व्यक्ति संज्ञा के नाम दिए हुए संज्ञा के प्रकार में, ठीक है ना. जैसे रवि, ये क्या है, नाम है, व्यक्ति का नाम है. कमला भी. नेक्स्ट है पेड़, कुर्सी, ये क्या है, थिंग्स में आ गई, वस्तुएं में. हाथी, ये क्या है, पशुओं के नाम में आ गई, जानवरों के नाम में. मोर भी वैसी पक्षी. मुंबई, ये है स्थान का नाम. पंजाब भी स्थान का नाम है. बचपन और ईमानदारी, ये आ गए भाव के नाम में. ओके, सो संज्ञा को क्या है, तीन भागों में बांटा गया है. पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा. ठीक है, व्याकरण में आपने ये पढ़ा है, आपको संज्ञा वाला चैप्टर दिया हुआ है, हमने ये पढ़ा है, फिर भी इसमें आपको मैं एक बार फिर से बताती हूँ. ओके, तो भाव, जैसे हमने अभी पढ़ा ना, इसमें बचपन और ईमानदारी, ये क्या है, भाव है. हम इसे देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, पर इसे हम फील कर सकते हैं, महसूस करते हैं, इसलिए ये क्या है, भाववाचक संज्ञा. तो जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, है ना. किसी व्यक्ति विशेष का नाम हुआ, स्थान विशेष का नाम हुआ या वस्तु विशेष का बोध होता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखिए, रवि, राम, महात्मा गांधी, ये पर्सनली हम किसी व्यक्ति के लिए ही बोल रहे हैं, ये विशेष व्यक्ति हैं, है ना. तो ये क्या आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में. वैसे ही वस्तु के नाम में, जैसे हिमालय, रामायण, लाल किला, ठीक है. स्थान के नाम में भारत, मुंबई, कोलकाता, मतलब हम पर्सनली विशेष रूप से इन्हीं स्थानों का नाम ले रहे हैं, इन्हीं व्यक्तियों का नाम ले रहे हैं, वस्तुओं का नाम ले रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ये आते हैं. ओके स्टूडेंट, सो आपको ये डिटेल में और आपको व्याकरण की बुक में आपको ये मिल जाएगा, सो आप उसे भी एक बार लर्न कीजिएगा, हम उसे पढ़ चुके हैं. ओके, सो नाउ योर होमवर्क, आप उसे
अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीट करेंगे या रिक्त स्थान भरिए। ओके, सो बाय बाय, हैव अ गुड डे।